अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सैयद जिशान हैदर और आप देख रहे हैं HT इंफॉर्मेशन। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी तस्वीरों पे खूबसूरत शायरी कैसे लिख सकते हैं, या आप यूँ कह लें कि आप अपनी तस्वीरों पे कुछ भी कैसे लिख सकते हैं, कोई भी उर्दू के अल्फाज। इंग्लिश तो आप सब लिखना जानते ही होंगे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और इंग्लिश उस पर लिख लीजिए। आप मोबाइलों में भी कुछ में फंक्शन होता है कि आप अपने फ़ोटो को एडिट करके उसमें इंग्लिश लिख सकते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों को नहीं पता था कि फ़ोटो पर उर्दू कैसे लिखते हैं। तो आज आप ये वीडियो ला सकते देखते रहें क्योंकि मैं आज आपको इसी बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ सर्च बार में टाइप करता हूँ फुटेक्स। फोटेक्स का सर्च कर लेने के बाद आपके सामने ये ऐप है फोटेक्स, उर्दू टेक्स्ट ऑन फोटोज़ ऐप्स ट्यून वालों की ऐप है, आपने इसी को डाउनलोड करना है। तो यहाँ बस की कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल आप यहाँ से शायरी भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आप अपनी फ़ोटो पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ बस आप इसकी वीडियो देख सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। और 4.3 इसकी रेटिंग है, जो कि बहुत ही हाई रेटिंग है और 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है इसको। तो ये 25 या 30 MB की ऐप होगी, तो आपको इसको डाउनलोड करने में कोई परेशानी भी नहीं आएगी, आप इसको मोबाइल डाटा पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लेने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह की टैब आ जाएगी, तो आपने यहाँ पे साइन इन होना है, चाहे आप गूगल से हो जाए चाहे आप फेसबुक से हो जाए। तो मैं चलो फेसबुक से हो जाता हूँ, मैं लॉग इन विद फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मेरे सामने एक टैब आ जाएगी, इसको मैं ओके कर दूँगा। ये देखें, इसने बिल्कुल फोटेक्स ओपन कर दिया है। अभी टैब शायद इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं इसको पहले चेक कर रहा था कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैंने इसको यूज़ किया तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो भी बना देते हैं, तो इसीलिए इसने मुझे नहीं मांगा। जब आप इसको लॉग इन विथ फेसबुक करेंगे तो आपके सामने ओके का बटन आएगा, आपने ओके प्रेस कर देना है, तो जिससे ये ओपन हो जाएगा। तो भी मैं यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं इस पर, यहाँ पर क्लिक करके। तो यहाँ से मैं फ्लाम डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, गैलरी में चला जाता हूँ। मैं गैलरी को ओपन कर लेने के बाद यहाँ से कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट किया। अब इसको चाहे तो क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसको क्रॉप करूँ, तो मैं इसको इसी तरह ही रहने देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं शायरी लिखना चाहता हूँ तो इस पेंसिल पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी वो लोडिंग कीबोर्ड कर रहा है, तो उसने ये कीबोर्ड ओपन कर दिया, तो आप यहाँ पे कुछ भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सलाम अलैकुम लिखने की कोशिश करता हूँ, अभी मुझे आइन ढूंढनी पड़ेगी। ये देखें, यहाँ से आप जो भी चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इसको डन कर देना है। अभी मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, अब यहाँ से क्लिक करके इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लिहाज ड्रैग करके मैं इसको इधर तरफ ले आता हूँ, यहाँ से मैं इसको बड़ा या छोटा भी कर सकता हूँ। इसका मैं रंग भी चेंज कर सकता हूँ, फिर कि मैं कलर में जाता हूँ, मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, तो ये देखें ये रेड हो गया है। उसके बाद अगर मैं इसकी फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो इस फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे ये देखें मैं ये वाली फॉन्ट लगा लेता हूँ। ये देखिए, इसने ये वाली फॉन्ट चेंज कर दी। जिस तरह इंग्लिश में फॉन्ट्स होते हैं, इस तरह उर्दू में भी आप फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ साइज़ में जाता हूँ तो मैं इसको साइज़ को बड़ा भी कर सकता हूँ और छोटा भी कर सकता हूँ, तो मुझे मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। तो अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखें, हम जितना चाहें इसको रोटेट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप इसको कुछ स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं, स्पेसिंग करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। या अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, यानी कि ये मैंने क्या लिख दिया, अगर आपसे गलती हो जाती है थोड़ी सी, तो आप एडिट करके इसको दोबारा सही भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने असलाम लिखा, ये देखें असलाम लिखा हुआ आ गया है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें
अगर पसंद ना आए तो फिर नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको पसंद क्यों नहीं आई, तो हम इसके बारे में मज़ीद वीडियो बना दें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिए, अस्सलामुअलैकुम।